आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है। इस्तकबाल है, आजकल मैं आपको सादत हसन बंटो का लिखा हुआ फिल्मी हस्ती शाम का खाका सुना रहा हूं, जिसका उन्वान है मुरली की धुन। इसकी दो किस्तें मैं आपको सुना चुका हूं, आज इसकी तीसरी किस्त सुनिए, मुरली की धुन की तीसरी किस्त। जब शाम ने तहजीब व तमद्दुन के कवानीन के पेशे नज़र ताजी से बाकायदा शादी की, तो मेरा ख्याल है सिर्फ एक इंतकामी जज्बे के तहत उसने इतनी शानदार दावत की कि देर तक फिल्मी दुनिया में उसके चर्चे रहे। इतनी शराब बहाई गई कि खुम खाली हो गए, मगर अफसोस के तहजीब व तमद्दुन के सतरपोश चोली के दाग न धुल सके। शाम से बोतल औरत ही का रसिया नहीं था, जिंदगी में जितनी नेमतें मौजूद हैं वो उन सब का आशिक था। अच्छी किताब से भी वो उसी तरह प्यार करता था जिस तरह एक अच्छी औरत से करता था। उसकी माँ उसके बचपन में ही मर गई थी, मगर उसको अपनी सौतेली माँ से भी वैसी ही मोहब्बत थी जो हकीकी माँ से हो सकती है। उसके छोटे छोटे सौतेले भाई बहन थे, उन सबको वो अपनी जान से ज़्यादा अजीज समझता था। बाप की मौत के बाद सिर्फ उसकी अकेली जान थी जो इतने बड़े कुनबे की देखभाल करती थी। एक अरसे तक वो इंतहाई खुलूस के साथ दौलत और शोहरत हासिल करने के लिए हाथ पांव मारता रहा। इस दौरान तकदीर ने उसे कई गच्चे दिए, मगर वो हंसता रहा। जाने मन, एक दिन ऐसा भी आएगा कि तू मेरी बगल में होगी। और कई बरसों के बाद आखिर वो वक्त आ ही गया कि दौलत और शोहरत दोनों उसकी जेब में थी। मौत से पहले उसकी आमदनी हजारों रुपए माहवार थी। बॉम्बे के मुजाफात में एक खूबसूरत बंगला उसकी मिल्कियत था, और कभी वो दिन थे कि उसके पास सर छुपाने को जगह नहीं थी। मगर मुफलिसी के उन अय्याम में भी वो हंसता हुआ शाम था। दौलत और शोहरत आई तो उसने उनका यूं इस्तकबाल ना किया जिस तरह लोग डिप्टी कमिश्नर का करते हैं। ये दोनों मोहतरमाएं उसके पास आईं तो उसने उनको अपनी लोहे की चारपाई पर बिठा लिया और पटाख पटाख बोसे दाग दिया। मैं और वो जब एक छत के नीचे रहते थे तो दोनों की हालत पतली थी। फिल्म इंडस्ट्री मुल्क की सियासियात की तरह एक बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रही थी। मैं बॉम्बे टॉकीज में मुलाजिम था, उसका वहाँ एक पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट था 10,000 रुपये में। अरसे की बेकारी के बाद उसको यह काम मिला था, मगर वक्त पर पैसे नहीं मिलते थे। बहरहाल हम दोनों का गुजर किसी ना किसी तौर पर हो जाता था। मियाँ बीवी होते तो उनमें रुपये पैसे के मामले में ज़रूर चख होती, मगर शाम और मुझे कभी महसूस तक ना हुआ हम में से कौन खर्च कर रहा है और कितना कर रहे। एक दिन उसे बड़ी कोशिशों के बाद मोटी सी रकम मिली, गालिबन 500 रुपये थे। मेरी जेब खाली थी, हम मलार से घर आ रहे थे। रास्ते में शाम का ये प्रोग्राम बन गया कि वो चर्चगेट किसी दोस्त से मिलने जाएगा। मेरा स्टेशन आया तो उसने जेब से 10-10 रुपये के नोटों की गड्डी निकाली, आंख बंद करके उसके दो हिस्से किए और मुझसे कहा, जल्दी करो मंटो, इनमें से एक ले लो। मैंने गड्डी का एक हिस्सा पकड़कर जेब में डाल दिया और प्लेटफॉर्म पर उतर गया। शाम ने मुझे टाटा कहा और कुछ नोट जेब से निकाल कर लहराए, तुम भी क्या याद रखोगे, सेफ्टी की खातिर मैंने ये नोट अलहदा रख लिए थे हिप्टुल्ला। शाम को जब वो अपने दोस्त से मिल आया तो कबाब हो रहा था। मशहूर फिल्म स्टार केके ने उसको बुलाया था कि वो उससे प्राइवेट बात करना चाहती है। शाम ने ब्रांडी की बोतलें बगल में से निकाल कर ग्लास में एक बड़ा पैग डालकर मुझसे कहा, प्राइवेट बात ये थी, मैंने लाहौर में एक दफ़ा किसी से कहा था कि केके मुझ पर मरती है। खुदा की कसम बहुत बुरी तरह मरती थी, लेकिन उन दिनों मेरे दिल में कोई गुंजाइश नहीं थी।
आज उसने मुझे अपने घर बुलाकर कहा कि तुमने बकवास की थी, मैं तुम पर कभी नहीं मरी। मैंने कहा तो आज मर जाओ, मगर उसने हठधर्मी से काम लिया और मुझे गुस्से में आकर उसके एक घूंसा मारना पड़ा। मैंने उससे पूछा, तुमने एक औरत पर हाथ उठाया? श्याम ने मुझे अपना हाथ दिखाया जो जख्मी हो रहा था, कम वक्त आगे से हट गई, निशाना चूका और मेरा घूंसा दीवार के साथ जा टकराया। ये कहकर वो खूब हंसा, साली बेकार तंग कर रही है। मैंने ऊपर रुपए पैसे का जिक्र किया है, गालिबन 2 बरस पीछे की बात है। मैं यहां लाहौर में फिल्मी सनत की जबूं हाली और अपने अफसाने ठंडा गोश के मुकदमे की वजह से बहुत परेशान था। अदालत मातहत ने मुझे मुजरिम करार देकर 3 महीने कैद बामुशक्कत और 300 रुपये जुर्माने की सजा दी थी। मेरा दिल इस कदर खट्टा हो गया था कि जी चाहता था अपनी तमाम तसानीफ को आग में झोंक कर कोई और काम शुरू कर दूं, जिसका तख्लीक से कोई इलाका ना हो, चुंगी के मुहकमे में मुलाजिम हो जाऊं और रिश्वत खाकर अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पाला करूं, किसी पर नुक्ताचीनी करूं, ना किसी मामले में अपनी राय दूं। एक अजीबो गरीब दौर से मेरा दिलो दिमाग गुजर रहा था। बाज लोग समझते थे कि अफसाने लिखकर उन पर मुकदमे चलवाना मेरा पेशा है, बाज कहते थे कि मैं सिर्फ इसलिए लिखता हूं कि सस्ती शोहरत का दिलदादा हूं और लोगों के सिफली जज्बात मुश्तैल करके अपना उल्लू सीधा करता हूं। मुझ पर 4 मुकदमे चल चुके हैं, उन 4 उल्लुओं को सीधा करने में जो खम मेरी कमर में पैदा हुआ उसको कुछ मैं ही जानता हूं। माली हालत कुछ पहले ही कमजोर थी, आसपास के माहौल ने जब निकम्मा कर दिया तो आमदनी के महदूद ज़राए और भी सुकड़ गए। एक सिर्फ मकतबे जदीद लाहौर के चौधरी बिरादरान थे जो मकदूर भर मेरी इमदाद कर रहे थे। गम गलत करने के लिए जब मैंने कसरत से शराब नोशी शुरू की तो उन्होंने चाहा कि अपना हाथ रोक लें, मगर वो इतने मुखलिस थे कि मुझे नाराज़ नहीं करना चाहते थे। उस जमाने में मेरी किसी से खतो किताबत नहीं थी, दरअसल मेरा दिल बिल्कुल उचाट हो चुका था। अक्सर घर से बाहर रहता और अपने शराबी दोस्तों के घर पर पड़ा रहता, जिनका अदब से दूर का भी वास्ता नहीं था। उनकी सोबत में रहकर जिस्मानी और रूहानी खुदकुशी की कोशिश में मसरूफ था। एक दिन मुझे किसी और के घर के पते से खत मिला, तहसीन पिक्चर्स के मालिक की तरफ से था। लिखा था कि मैं फौरन मिलूं, बॉम्बे से उन्हें मेरे बारे में कोई हिदायत मौसूल हुई हैं, सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि यह हिदायत भेजने वाला कौन है। मैं तहसीन पिक्चर्स वालों से मिला, मालूम हुआ कि बॉम्बे से शाम के पे दर पे उन्हें कई तार मिले कि मुझे ढूंढ कर 500 रुपये दे दिए जाए। मैं जब दफ्तर में पहुंचा तो वो शाम के ताज़ा ताकीदी तार का जवाब देख रहे थे कि तलाश बिसियार के बावजूद उन्हें मंटो नहीं मिल सका। मैंने 500 रुपये ले लिए और मेरी मखमूर आंखों में आंसू आ गए। मैंने बहुत कोशिश की कि शाम को ख़त लिखकर उसका शुक्रिया अदा करूं और पूछूं कि उसने मुझे ये 500 रुपये क्यों भेजे थे, क्या उसको इल्म था कि मेरी माली हालत कमज़ोर है। इस गर्ज से मैंने कई खत लिखे और फाड़ डाले। ऐसा महसूस होता कि मेरे लिखे हुए अल्फाज शाम के उस जज्बे का मुंह चिढ़ा रहे हैं जिसके ज़ेरे असर उसने मुझे ये रुपए रवाना किए थे। पिछले साल जब शाम अपनी ज़ाती फिल्म की नुमाइश के सिलसिले में अमृतसर आया तो थोड़ी देर के लिए लाहौर भी आ गया। यहाँ उसने बहुत से लोगों से मेरा आता पता पूछा, मगर उस दौरान इत्तेफाक से मुझे मालूम ही हो गया कि वो लाहौर में मौजूद है। मैं उसी वक्त दौड़ा उस सिनेमा पहुँचा जहाँ वो एक दावत खा के आ रहा था। मेरे साथ रशीद इतरे था, श्याम का पुणे का पुराना दोस्त। जब मोटर सिनेमा
जब मोटर सिनेमा के शहर में दाखिल हुई तो श्याम ने मुझे और रशीद को देख लिया। एक जोर का नारा उसने बुलंद किया। उसने ड्राइवर से मोटर रोकने के लिए बहुत कहा, मगर उसके इस्तकबाल के लिए इस कदर हुजूम था कि ड्राइवर ना रुका। मोटर से निकलकर पुलिस की मदद के साथ श्याम और ओम एक ही किस्म का लिबास और सर पर सफ़ेद पानामा हैट पहने सिनेमा के अंदर पिछले दरवाजे से दाखिल हुए। बड़े दरवाजे से हम अंदर पहुंचे। श्याम वही श्याम था, मुस्कुराता, हंसता और कहे लगाता श्याम। दौड़कर हम दोनों से लिपट गया। फिर इस कदर शोर मचा कि हम में से कोई भी मतलब की बात ना कर सका। ऊपर तले इतनी बातें हुई कि अंबार लग गए और हम उनके नीचे दब के रह गए। सिनेमा से फारिग होकर उसे एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर जाना था। हमें भी अपने साथ ले गया। यहाँ जो बात भी शुरू होती फौरन कट जाती। लोग धड़ाधड़ आ रहे थे। नीचे बाजार में हुजूम शोर बरपा कर रहा था कि श्याम दर्शन के लिए बाहर बालकनी में आए। श्याम की हालत अजीबोगरीब थी। उसको लाहौर में अपनी मौजूदगी का शदीद एहसास था। उस लाहौर में जिसकी मुतअद्दिद सड़कों पर उसके रुमानों के छींटे बिखरा करते थे। उस लाहौर में जिसका फासला अब अमृतसर से हज़ारों मील हो गया था। और उसका रावलपिंडी कहाँ था जहाँ उसने अपने लड़कपन के दिन गुजारे थे। लाहौर, अमृतसर और रावलपिंडी सब अपनी अपनी जगह थे, मगर वो दिन नहीं थे, वो रातें नहीं थीं जो श्याम यहाँ छोड़ कर गया था। सियासत के गोरकुन ने उन्हें नामालूम कहाँ दफन कर दिया था। श्याम ने मुझसे कहा, मेरे साथ साथ रहो, मगर उसके दिलो दिमाग की मुस्तरिब कैफियत के एहसास ने मुझे सख्त परागंदा कर दिया। उससे यह वादा करके कि रात को उससे फ्लेटी होटल में मिलूंगा, चला गया। श्याम से इतनी देर के बाद मुलाकात हुई थी, मगर खुशी के बजाय एक अजीब किस्म की घुटी घुटी कोफ्त महसूस हो रही थी। तबीयत में इस कदर झुंझुलाहट थी कि जी चाहता था किसी से ज़बरदस्त लड़ाई हो जाए, खूब मार कुटाई हो और मैं थक कर सो जाऊं। घुटन का तजिया किया तो कहां का कहां पहुंच गया। एक ऐसी जगह जहां ख्यालात के सारे धागे बुरी तरह आपस में उलझ गए। इससे तबीयत और भी झुंझला गई और फ्लैटीज में जाकर मैंने एक दोस्त के कमरे में पीना शुरू कर दिया। नौ साढ़े नौ के करीब शोर सुनने पर मालूम हुआ कि श्याम आ गया है। उसके कमरे में मिलने वालों की वैसी ही भीड़ थी। थोड़ी देर वहां बैठा, मगर खुलकर कोई बात ना हुई। ऐसा मालूम होता था कि हम दोनों के जज्बात में ताले लगाकर चाबियां किसी ने एक बहुत बड़े गुच्छे में पिरो दी थी। हम दोनों गुच्छे में से एक एक चाबी निकाल कर ये ताले खोलने की कोशिश करते और नाकाम रहते। मैं उकता गया। डिनर के बाद श्याम ने बड़ी जज्बाती किस्म की तकरीर की, मगर मैंने उसका एक लफ्ज तक न सुना। मेरा अपना दिमाग बड़े ऊंचे सुरों में जाने क्या बक रहा था। श्याम ने अपनी बकवास खत्म की तो लोगों ने भरे पेट के साथ तालियां पीटी। मैं उठकर कमरे में चला आया। वहां फजली बैठे थे। उनसे एक मामूली सी बात पर चक हो गई। श्याम आया और उसने कहा, ये सब लोग हीरा मंडी जा रहे हैं, चलो आओ, तुम भी चलो। मैं करीब करीब रो दिया। मैं नहीं जाता, तुम जाओ और तुम्हारे ये लोग जाएं। तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आया। ये कहकर श्याम हीरा मंडी जाने वाली पार्टी के साथ चला गया। मैंने श्याम को और फिल्मी सनत से मुतालिक लोगों को मोटी मोटी गालियां दी और फजली से कहा, मेरा ख्याल है आप तो यहाँ इंतज़ार करेंगे, अगर तकलीफ ना हो तो अजराए करम अपनी मोटर में मुझे मेरे घर तक छोड़ाइए। रात भर ऊट पटांग ख्वाब देखता रहा। श्याम से कई मरतबा लड़ाई हुई। सुबह दूध वाला आया
सुबह दूध वाला आया तो मैं खोखले गुस्से में उससे कह रहा था, तुम बिल्कुल बदल गए हो, उल्लू के पट्टे, कमीने, जलील, तुम हिंदू हो। नींद खुली तो मैंने महसूस किया कि मेरे मुंह से एक बहुत बड़ी गाली निकल गई है, लेकिन जब मैंने खुद को अच्छी तरह टटोला तो यकीन हो गया कि वो मेरा मुंह नहीं था, सियासत का भोंपू था जिससे ये गाली निकली थी। उसके मुतालिक सोचते हुए मैंने दूध वाले से दूध लिया जिसमें एक चौथाई पानी था। इस ख्याल ने मुझे ढारस दी, इस ख्याल ने मुझे बड़ी ढारस दी कि श्याम हिंदू था मगर पानी मिला हिंदू नहीं था। तो ये थी मुरली के धुन की तीसरी किस्त। कल फिर आऊंगा और आपको इसके खाके की चौथी और आखिरी किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आदाब।